आ uh, किसी ने मुझे कुछ दिन पहले कहा था कि आपका ना फेसू जैसे डिंपल आता है हाँ, तो कहीं ना कहीं मैं उनकी लाइफ स्टाइल को थोड़ा कॉपी किया है और अगर वो मुझे देख पाएस तो सच में सल्यूट है उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया स्टार्ट किए हुए मुझे हो गया लगभग दो साल के आसपास डिफ़िकल्टी तो रही बहुत ज़्यादा परेशानी मुश्किलें आई क्योंकि फैमिली अलाउ नहीं करती है मतलब मुझे पता है कि मैंने कैसे मेहनत की है और मेरे पास कभी कभी किराए के लिए पैसे नहीं हुए यहाँ पर आने के लिए जनरली uh, जो शो करते हैं जो जो दिखाते हैं वो होता है हमारा मिडिल क्लास जनरली बीच में ऐसा हुआ था कि रियल बोनस इंस्टाग्राम प्रोवाइड करा रहा था जो कि अभी फिलहाल नहीं करा रहे हैं आ, नहीं ऑब्वियसली अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो जो चीज नहीं है अगर उसको दिखा रहे हो तो इसका मतलब कि आपकी लाइफ से रिलेट करता है कुछ ना कुछ नमस्कार आप देख रहे हैं सौगन टीवी और सोशल मीडिया की लाइफ जब से मतलब सोशल मीडिया पर टिकटॉक आया और फिर रील्स आ गए इंस्टाग्राम पर काफ़ी लोगों की लाइफ बना दी है इसने चाहे फैजू हो टीम और बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर मिलेंगे आपको व्लॉगर्स मिलेंगे जिससे उनकी रोज़ी रोटी चल रही है ऐसे हमारे साथ एक इंस्टाग्राम पर सरपंच आसिफ के नाम से हैं छः लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं कब उन्होंने शुरुआत की और किस तरह से की तो बहुत बहुत स्वागत है आसिफ भाई थैंक यू सो मच स्टार्ट किए हुए मुझे हो गया लगभग दो साल के आसपास होने वाला है जब इंस्टाग्राम को मैं प्लेटफॉर्म समझ के और वीडियोस कंटिन्यू बनाने लगा लगाऊँ उससे पहले मैं जब बनाता था तो मैं टिकट पे था तो लास्ट टाइम जब टिकट बंद हुआ उसके बाद मेरे फॉलोअर्स वगैरह सब ऐसे ही रह गया था डिफ़िकल्टी तो रही बहुत ज़्यादा परेशानी मुश्किलें आई क्योंकि फैमिली अलाउ नहीं करती है आपकी, आप क्या कितना कोशिश करें आप उनको फॉलोअर्स दिखाएँ उनको मतलब नहीं है कि आप कितने फेमस हो गए हो उनको कहीं ना कहीं इनकम का दिखता है तो उसके लिए भी बहुत डेडिकेशन एक टीम को कैसे क्या मेंटेन करके चलना मतलब मुझे पता है कि मैंने कैसे मेहनत की है और मेरे पास कभी कभी किराए के लिए पैसे नहीं हुए यहाँ पर आने के लिए लेकिन फिर भी मैं आया हूँ मेरे पास अपना फ़ोन आईफोन नहीं है मैं दूसरों के आईफोन से शूट करता आया हूँ अभी भी आए यहाँ पर खड़े हुए अकेला भी खड़ा हुआ लेकिन डेडिकेशन ऐसी है कि रात भर सोने नहीं देती है सच में और मैं आकर जब यहाँ खड़ा हुआ और मैंने वीडियो शूट किए प्रॉपर उन वीडियोज पे भी तीन या चार मिलियन व्यूज हैं मेरे जब मैं अकेला कर खड़ा हुआ था सी में अच्छा ये शुरुआत जब आपने करी तो किसको देखकर या किसी प्रेरणा ली थी या किसी को देखकर आपको लगा कि मेरे को भी ऐसी वीडियो बनाने क्या सोचकर बनाया जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे एक लेबर थे मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके यहाँ पर तो वो मॉडलिंग करते थे उन्होंने मेरी हाइट वगैरह देखी मेरी सिक्स वन हाइट है छः फिट वन इंच उसके बाद वहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन मिलने लगी फिर टिकटॉक पे देखता था कुछ लोग वायरल भी फिर आ, कैसे लोग उनको कवर कर रहे हैं कैसे उनकी फ़ैन फॉलोइंग है सब उनसे मिलना चाहते हैं उससे देखा फिर मैंने सोचा अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं तब से मैंने अच्छा आपके कंटेंट किस तरह के होते हैं और कंटेंट को जो आप बनाते हैं वो आपके पीछे किसी की टीम है या फिर आप खुद से ही इसको क्रिएट करें अगर आप देख पा रहे होंगे दिखा पा रहे होंगे मेरे साथ में मेरी एक फीमेल फ्रेंड फ्रेंड खड़ी है यहाँ पर सोना और मेरी जो वीडियो शूट करते हैं रौनित नामेन इनका इसके अलावा मेरे तीन फैमिली मेम्बर और भी हैं फैमिली कहूँगा जो मेरे टीम के मेम्बर हैं वो मेरे साथ में है तो छः हम टोटल हैं और बस हमारा ऐसे स्टार्ट हुआ है यहाँ से अच्छा ये जो कंटेंट बनाते हैं आप किस बेस पर बनाते हैं स्टोरी क्या होती है हम जनरली जो शो करते हैं जब जो दिखाते हैं वो होता है हमारा मिडिल क्लास क्योंकि मैक्सिमम क्या देखेंगे आप कोई भी है अगर एक कंपनी कोई मालिक है हम और आप जैसे वहाँ पे 20 या 25 लोग काम कर रहे हैं तो उनकी जो लाइफ है उनकी छोटी छोटी बारीकियों से घर की जिम्मेदारियों से लेकर क्या उनके टारगेट एम्स हैं जो सपने पूरे नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को ज़्यादा शो करते हैं हम अपनी वीडियोज़ में अच्छा इंस्टाग्राम पर आपके कोई ऐसे जैसे फैजू हैं काफी रीच उनके हैं अच्छा और कोई ऐसे फेवरेट हैं जिनको देखकर आपको भाई भाई हो के हाँ मेरे को इस मुकाम पर पहुंचना है थोड़े टाइम पहले बिल्कुल एग्जैक्ट बार बार आप एक ही नाम ले रहे हैं फैसू क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोवर्सोवर्स अच्छे हैं, हैं। आ, किसी ने मुझे कुछ दिन पहले कहा था कि आपको ना फेसू जैसे डिंपल आता है तो कहीं ना कहीं मैं उनकी लाइफ स्टाइल को थोड़ा कॉपी किया और अगर वो मुझे देख पाएज तो सच में सल्यूट है उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है हाँ कहीं ना कहीं अगर मैं उनके जैसा ना बनो थोड़ा अलग ही पहचान हो जाए तो आप क्या कहेंगी आप शुरू से साथ में थे या टीम का अभी बाद में जुड़ा हुआ है आपका कैसे जुड़ा हुआ आ, मैं इनके अब मैं शुरू से साथ में नहीं थी मैं अभी बीच में ही इनसे हाल फिलहाल में ही जुड़ी हूँ एंड इनकी टीम में आके काफ़ी अच्छा लगता है मुझे मैं ज़्यादातर पार्टनर का रोल करती हूँ इनके वीडियो में कुछ इनकम सोर्स आए आता है इंस्टाग्राम से कितना जनरली बीच में ऐसा हुआ था कि रील बोनस इंस्टाग्राम प्रोवाइड करा रहा था जो कि अभी फ़िलहाल नहीं करा रहे हैं तो हमें जो इस्पॉन्सर होते हैं और जो ब्रांड प्रमोशंस होते हैं वो मिलते हैं जैसे ऑफलाइन कल ही हमारे पास जैसे इनोग्रेशन कहीं कराना हो या तो उस तरह की हमें गेस्ट अपेरेंस में बुलाया जाता है और वहाँ से कहीं ना कहीं अच्छा इनकम हो पा रहा है अभी फ़िलहाल तो अभी आप मतलब शूट जो करते हैं सिर्फ कनाड प्लेस पे ही करते हैं या कहीं और जगह भी जाते हैं या कहीं और बुलाते भी हैं कोई और शूट के लिए लोकेशंस वेरी करता है अगर कोई हमें इन्फ्लुएंसर बुला रहा है तो अपनी लोकेशन पे बुला सकता है सिटी में बुलाते हैं वो हमें तो वहाँ जाके शूट किया है जैसे आ, कुछ टाइम पहले मैं चंडीगढ़ था उसके बाद मैं अहमदाबाद गया कुछ दिनों के लिए राजस्थान में था तो वहाँ जाके शूट किया है फिलहाल हमने कनॉट प्लेस की जो लोकेशन है वो चूज़ की हुई है मैक्सिमम शूट यहाँ करते हैं अगर इंडोर हमें कभी करना होता है घर के अंदर का दिखाना तो द्वारका द्वारका मोड़ रोहिणी के आसपास का शूट कर रहे हैं अच्छा आपने एक बात का जिक्र किया मैं अभी भी मतलब आईफोन का अगर देखा जाए तो दूसरों का वो करो आपने अभी तक इतनी इनकम सोर्स नहीं हुई है कि अपना खरीद सके या जान कर नहीं लकी है अभी ऐसी चलने रहो बिल्कुल ठीक आपने जो वर्ड यूज कर दिया एक लक वाली चीज मेरे फैमिली में अभी फैमिली कहूँगा टीम वाले कहते हैं कि आप ले लो फोन अभी तो अब लेना चाहिए इतना है कि मैं ले सकता हूँ मैं दो आईफोन ले सकता हूँ लेकिन ले लेता हूँ क्योंकि वो मेरा फ़ोन अभी जब से मैंने स्टार्ट किया था वो मेरे लिए लकी है मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उसको ऐड करूँगा तो शायद इस फ़ोन को कम इम्पोर्टेंस देने लूँ मैं तो ये दिए। दिए। आप घर वालों की बात कर रहे थे कि ये शुरुआत में इस तरह से साथ नहीं दिया कहीं ना कहीं वो सोचते तो होंगे नौकरी हर किसी के माँ बाप यही चाहते हैं कि अच्छी जॉब पाए अच्छी हो लेकिन अब जिस मुकाम पर आप पहुँच गए अब सेटिस्फाई हैं घर वाले आपके सेटिस्फाई हैं बहुत सेटिस्फाई हैं अभी क्या है मैंने जैसे आपको बताया था कि फॉलोअर्स का अब कुछ लोग बाहर से पूछते हैं मेरे रिलेटिव पूछ रहे हैं पापा से पूछते हैं कि वो कहाँ पर है कब तक आ जाएंगे हम उनसे कब मिल लेंगे तो एक अलग लेवल का जो उनके लिए सरप्राइज था वो तो उनको मिल चुका था कुछ टाइम पहले बहुत खुशी भी अंदर से फिर अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम आप देने लगे हैं या पैसा घर में जाने लगा है तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम घर वाले सेटिसफाई हो जाते हैं अगर अब पैसा उनको मिल रहा है तो आगे फ्यूचर का आपका क्या सोचते हैं किस मुकाम पर आप जाना चाहते हैं मूवीज़ में एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही रहना चाहते हैं हाँ मैंने जनरली जब स्टार्ट किया था मैं आपको बताऊँ इससे पहले भी वीडियोज़ बनाने से पहले भी इंस्टाग्राम पर छोटा मोटा मैं ऑडिशन देता रहा हूँ जहाँ पर सेलेक्ट भी हुआ है लेकिन अनफोर्सिन रीजन कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से मैं कर नहीं पाया तो मेरा पहला जो एम था किसी भी वेब सीरीज़ का पार्ट बनना था मुझे जैसे मैं वीडियो ऐसे शूट करता हूँ ऐसे में कोई रॉ एक एक्ट करना चाहता था बस के मतलब दिखा सको अपने अंदर का एक्ट जो है एक मैंने आपकी रील्स देखी हैं आप काफ़ी मतलब मिडिल क्लास की ज़्यादा एक्ट करते हैं और लव पर ज़्यादा प्यार पर ज़्यादा फोकस है आपका इसमें मतलब क्या है आपका कहीं ये फील किया है कभी ऐसी ठोकर खाइए कि मतलब मिडिल क्लास या अपर क्लास या फिर सिर्फ वैसे ही आप क्रिएटिविटी की है आ, नहीं ओबियसली अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो जो चीज़ नहीं है अगर उसको दिखा रहे हो तो इसका मतलब कि आपकी लाइफ से रिलेट करता है कुछ ना कुछ मैं एक्चुअल खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जब मैं हायर या फिर अपर क्लास लोगों को देखता हूँ तो उनकी जो थाट है हमारे लिए या फिर हमारे जो थाट्स होते हैं कि कैसे अचीवमेंट क्या वो लाइफ जी रहे हम कैसे जी सके तो हाँ कहीं ना कहीं ये रियलिटी से जुड़े हुए हैं मेरी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उस वीडियो में जब सवाल ववाल नहीं पूछते हैं आपसे आपके फैंस की ये इस तरह की वीडियो क्यों बनाते हैं भाई जैसे बोल देते हैं ना मजाक में भी कि यार क्या हुआ इतना धोखा खा लिया है या फिर क्या है? मतलब ऐसा कुछ नहीं है बहुत सारे कमेंट मुझे लोग करते हैं कि भाई आपको सैडी क्यों करना है इमोशनल कभी हंस भी दिया करो हाँ। तो ऐसा है कि अभी फिलहाल मेरी जो ऑडियंस है मेरी फैमिली है इंस्टाग्राम की वो मुझे ऐसे देखना चाहती है शायद कि उन्होंने कई बार क्विज होते हैं तो पूछा है तो कुछ कुछ लोग कह भी देते हैं आके भाई कि हाँ क्या बात है ये क्या डाल रहे हो क्या दिल टूटा हुआ है करके कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं कुछ चीज़ें लेकिन हाँ कि लाइफ से रिलेटेड तो है और मैं अगर फ्यूचर में कुछ अच्छा भी या कॉमेडी ऐसा कुछ बनाना चाहूँगा अगर मेरी ऑडियंस चाहेगी या मेरी फैमिली चाहेगी मैं जरूर बनाने बनाना कभी ट्राई किया ऐसा कुछ अलग हटके करने का हाँ मेरी पहली वीडियोज़ अगर आप नीचे जाकर देखेंगे तो उसमें कॉमेडी भी दिखेगी थोड़ा बहुत एक्शन भी दिखेगा थोड़ा एटीट्यूड भी दिखेगा लेकिन मुझे जब से लगने लगा कि लोगों को मेरा रोना मेरे इमोशंस पसंद है तो मैं फिर वही करने लगा अच्छा आप शुरुआत में जिस तरह से अकेले आए थे टीम कैसे बनी आपकी टीम से जुड़ाव कैसे और टीम में किस क्या बोलकर आपने शामिल किया औरों को और पहली बात तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितने भी डेडिकेटेड लोग होते हैं या फिर मुझे मैटर नहीं करता कम फॉलोअर्स हैं ज़्यादा अगर कोई सामने से आगे ये कहता है कि आपके साथ में वीडियो शूट करना है हमें या फिर आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है कि हम उसका पार्ट बन सकते हैं तो मैं उनको वेलकम करता हूँ आंटी लनलैस के वो लाश वाले जो लोग हैं वो मेरे साथ में सही हैं सही बने हुए हैं उसके बाद अगर वो ऐड हो जाते हैं तो हम इस तरह से टीम क्रिएट हुई है पहले जब हमने शुरू किया था तब कोई प्रॉपर टीम नहीं थी मैं और एक मेरा फ्रेंड थे शायद अगर वो देखेंगे तो नवेद था उनका नाम हमने ऐसे शुरू किया था वो मेरे जिम पार्टनर थे और वहाँ से हमने शुरू किया था पहले ऐसे घूमते थे जाते थे अच्छा लगता दो दूसरों का देखना फिर अपना भी हमने करना शुरू किया तो अब नवेद जी साथ नहीं है फिलहाल नवेद जी साथ नहीं है मैंने ये सुना है कि वो जो इंजन होता है ना और डब्बे तो बहुत सारे जुड़ते रहते हैं जुड़ते रहते हैं लेकिन जो एक इंजन है ना उसके साथ जो डब्बा जुड़ा हुआ है ना वो लास्ट तक बस वो ही कि वो आपके साथ थी अभी नावेद जी मेरे साथ नहीं कर रहे हैं मिस करते हैं उन्हें खलते है है। कमी तो खलती है लेकिन क्या है अभी फ्रेंडशिप कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो तुड़वाना चाहते हैं तो वो सक्सेसफुल हो गए मैंने बहुत कोशिश की लेकिन शायद मैं कामयाब नहीं हो पाया फिर उनका अलग था तो वो अलग करने लगे और मैं अब अलग कर रहा हूँ मैम आप कब से जुड़े हैं कितने समय पहले से और कैसे मुलाकात हुई आपकी और किस तरह से आप साथ में जुड़े आसिम मैं पहले भी काफ़ी टाइम हो गया दो साल न? न? दो साल पहले भी हम दोनों फ्रेंड्स थे जब आ, हम वीडियोस बनाया करते थे टिकटॉक के टाइम पे भी तो उस टाइम भी हम दोनों फ्रेंड्स से भी बीच में मतलब ऐसी समथिंग थोड़ा लड़ाई वड़ाई हुई तो अलग हो गए थे मतलब कॉन्ट्रैक्ट कम हो गया था फिर अब जाके हम दोबारा एक बार बीच में दोबारा मिले तो बातचीत हुई तो मैं इनके ग्रुप में दोबारा आ गई अच्छा हम कैमरा मैन से बात करेंगे जरा कैमरा मैन एक बार आए आ, कैमरा मैन क्योंकि देखो जो भी है आप जितने जिस मुकाम पर हैं कहीं ना कहीं सबसे अहम रोल अगर कैमरा मैन का ना कहें तो फिर गलत होगा और बिल्कुण। एक एडिटर तो मुझे लगता है इनसे भी बात के लिए आपने इनकी जो वीडियोज शूट करते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे और कब से कर रहे हैं एडिट भी क्या आप ही हो गया मेरे को मतलब भाई के साथ जुड़े हुए हैं दो महीने हो चुके हैं शूट शूट। करते हैं। क्या-क्या धूप वगैरह में कुछ नहीं होता जाता ही है। मैं करना पड़ता है, थोड़ा, थोड़ा, है यहाँ से करने पे अच्छा भी लगता है ये सब है एडिट, करते हाँ। हाँ। वीडियोस। वीडियोस अपनी एडिट करता हूँ आपकी वीडियोस एडिट कौन करता है हम लोग खुद कर लेते हैं अपनी अपनी इंडिविजुअल कर लेते हैं अगर मैं अपनी तो मैं खुद ही एडिट कर लेता हूँ उसको जो दोनों की होती हैं जैसे पार्टनर वो स्टोरी बेस होती है तो वो अपनी भी, भी ये कर लेती है खुद और मेरी मैं खुद कर लेता हूँ जो मुझे अपने अकाउंट के लिए करना है वो मैं, मैं कर लेता ले हूँ ले अच्छा आपका तो भी अलग अकाउंट है क्या हाँ आपका किस नाम से है? मेरा सोना गुप्ता वन सेवन जीरो करके है कितने फॉलोअर्स हैं आपके मेरे होंगे एक लाख चालीस समथिंग दो बढ़ गए ना हाँ, एक लाख बयालीस हो गए एक लाख बयालीस हजार आपकी शुरुआत कब हुई अब इंस्टाग्राम पर जिस तरह से कहें दो साल हो गए समथिंग बीच में भी मैंने छोड़ दिया था वीडियोस बनाना मोम की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी फिर मैंने दोबारा कंटिन्यू उनके साथ किया तो अब जो आप वीडियोस बनाते हैं उनका अलग इंस्टाग्राम पेज है और आपका अलग है तो आपकी दोनों की सेम इंस्टाग्राम दोनों अलग अलग सेम स्टोरी डालते हैं या अलग अलग बनाते हैं अलग अलग होता है डिफरेंट होता है कभी हमें ऐसा जरूरत पड़ती है कि हम दोनों को एक साथ तो दोनों एक साथ कर लेते हैं अदरवाइज मेरा अकाउंट अलग है और इनके अकाउंट के लिए जो वीडियोज़ है वो अलग से क्रिएट कर लेते हैं तो आप साथ में रहते हैं उनको उसमें। हाँ, हाँ।, हाँ और जो नौजवान है जिस तरह से आप देखते भी होंगे काफ़ी आपको फैन फॉलो जो फैंस होंगे वो मिलते भी होंगे और कहते भी होंगे शायद वो आप जैसा बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे और किस तरह से वो शुरुआत करें आ, हमारी जनरली जो वीडियोस होती है आपने देखा होगा वो फैमिली से रिलेटेड है गज़ तो मैं यही सबको एजुकेट करना चाहूँगा सबसे पहले अपनी जो फैमिली है पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाए मेरी जो आईडी है सरपंच अंडर स्कोर आसिफ करके है आप जाकर देखें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं और हाँ अगर आप मेरी लाइन में आना चाहते हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी मेहनत के बिना कुछ नहीं है, अगर आप ये सोचते हो कि मेरी थर्टी सेकेंड की वीडियो या एक सेकेंड एक मिनट की वीडियो आपको बहुत कम टाइम में देखने को मिल जाती है उसके पीछे तीन या चार घंटे की मेरी पूरी टीम का हार्ड वर्क है तो अगर आप मेरे जैसा कुछ करना चाहते हो मुझसे मिल सकते हैं आगे और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब तो करना ही सबसे पहले तो देखिए सोशल मीडिया पर ये बड़ा रिवाज है कि वह ये सब्सक्राइब जरूर कर दें फिलहाल इस खबर में इतना ही बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ कैमरामैन सचिन के साथ सुहेल आप देख रहे हैं सौगंध टीवी सौगंध वतन की